गोलू एक्सपेरिमेंट। तो गाइस इस वायरलेस पावर बैंक को बनाने के लिए हम एग्लिट सीट का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड इसका मेजरमेंट है 8x14 सेंटीमीटर का, दो पीस ले लेंगे और फ्रेंड दो इस टाइप से टुकड़ा ले लेंगे 3x14 सेंटीमीटर का और फ्रेंड्स इस टाइप से दो और टुकड़ा ले लेंगे 3x8 सेंटीमीटर का। तो गाइस एग्लिट सीट पे पेपर लगा रहता है जिससे इसमें स्क्रैच ना पड़े, तो फ्रेंड चलिए फटाफट से पेपर को निकाल लेते हैं। तो गाइस इन दोनों सीटों को इस पे चिपकाएंगे, तो उससे पहले काम कर लेते हैं, इन पेपरों को निकाल लेते हैं, निकाल लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फिर इस सीट को भी चिपकाएंगे, तो उससे पहले इस पेपर को भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से पेपरों को निकाल लेने के बाद सीट को चिपकाएंगे, तो चलिए फटाफट से चिपका करके बॉक्स बना लेते हैं। तो फिर अच्छे से सीट को चिपका लेने के बाद इस सीट को ले लेंगे, तो फिर इसे अभी चिपकाएंगे नहीं, रुके रहिए। तो फिर इस टाइप से एक पावर बैंक ले लेंगे, इस पावर बैंक को लेकर के इस पे रख देंगे और ग्रुप कटिंग के लिए मार्क लगा लेंगे। तो फिर मार्क लगा लेने के बाद इसे कटिंग कर देंगे, तो चलिए फटाफट से कटिंग कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस सीट में अच्छे से ग्रुप कटिंग कर लेने के बाद इस पे पेपर को निकाल लेंगे, तो फिर पेपर को निकाल लेने के बाद एक बार चेक कर लेंगे पावर बैंक मॉड्यूल को अच्छे से लगा करके कि निकल नहीं रहा है। तो देख सकते हैं फिर अच्छे से निकल नहीं रहा है और मस्त तरीके से लग जा रहा है। तो फिर इसके बॉडी में चलिए लगा देते हैं पावर बैंक को, और फिर पावर बैंक को अच्छे से किट को लगा लेने के बाद इस पे बराबर कर लेंगे रख करके, और इस स्विच के लिए मार्क लगा लेंगे। तो फिर मार्क लगा लेने के बाद उसमें होल कर देंगे, तो चलिए फटाफट से होल कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस होल कर लेने के बाद एक बोल्ट लेंगे, बोल्ट को लेकर के फ्रेम में लगा देंगे। तो फ्रेम में लगा लेने के बाद पावर बैंक किट को भी इसके अंदर लगा देंगे और गाइस इस बोल्ट पे मार्क लगा लेंगे, और बोल्ट पे मार्क लगा लेने के बाद इसको कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड बोल्ट को कटिंग कर लेने के बाद चलिए फ्रेम में बोल्ट को लगा देते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से बोल्ट को लगा लेने के बाद चलिए पावर बैंक मॉड्यूल को भी इसके फ्रेम में लगा देते हैं और देख लेंगे कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस फ्रेम में से पावर बैंक मॉड्यूल को निकालेंगे, निकाल लेने के बाद सीट में से भी निकालेंगे, निकाल करके इस पे से पेपर को हटा देंगे, हटा लेने के बाद इस फ्रेम में सीट को अच्छे से लगा करके स्टेट ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो चलिए चिपका करके आपसे मिलते हैं। तो गाइस फ्रेम को अच्छे से चिपका लेने के बाद फ्रेंड पावर बैंक मॉड्यूल को लेकर के फ्रेम में लगा देंगे, फ्रेम में लगा देने के बाद स्टेट ग्लू या सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे पावर बैंक मॉड्यूल को। तो चलिए चिपका लेते हैं फटाफट से। तो गाइस अच्छे से पावर बैंक मॉड्यूल को चिपका लेने के बाद फ्रेंड इसमें पावर के लिए हम 18650 लैपटॉप बैटरी का यूज करेंगे। तो फ्रेंड ये एक बैटरी 2000 mAh का है, तो फ्रेंड अप्रॉक्स ये 10000 mAh का पावर बैंक बनेगा। तो फ्रेंड इसको वायरिंग करेंगे, तो फ्रेंड इसमें वायरिंग में हम पैरेलल इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से पैरेलल कनेक्ट करके बैटरी पैक बना लेते हैं। तो गाइस आपके मन में पावर बैंक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर के गोलू एक्सपेरिमेंट YT पे क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस इंस्टाग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, जाकर के चेकआउट कीजिएगा प्लीज़, और इंस्टाग्राम में गोलू एक्सपेरिमेंट YT को फॉलो करना ना भूलिएगा। फाइनली गाइस हमारा बैटरी पैक बन करके रेडी हो गया, हमारा नहीं गाइस पावर बैंक का बैटरी पैक बन करके रेडी हो गया। तो गाइस इसकी वायरिंग के लिए हम रेड और ग्रीन वायर का यूज करेंगे, जो कि फ्रेंड रेड वायर पॉजिटिव के लिए और ग्रीन वायर नेगेटिव के लिए। तो चलिए बैटरी में कनेक्शन कर लेते हैं।
तो फिर अच्छे से बैटरी पैक पे सोल्डरिंग कर लेने के बाद पावर बैंक मॉड्यूल पे सोल्डरिंग करेंगे बी प्लस बी माइनस पे, तो फिर अच्छे से सावधानी से कीजिएगा नहीं तो आपका पावर बैंक जल सकता है। देख सकते हैं फिर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और गाइस जो हमने जुगाड़ किया था ऑन ऑफ के लिए वो भी मस्त तरीके से वर्क कर रहा, तो फिर इसके वायरलेस चार्जिंग के लिए हम एक जुगाड़ करेंगे, तो चलिए उस जुगाड़ को देख लेते हैं। तो फिर उसके लिए हम 33 नंबर का कॉपर का वायर यूज करेंगे, तो चलिए फटाफट से इसे खोल लेते हैं। तो गाइस वायर को खोलने के बाद इस टाइप से पीवीसी का पाइप लेंगे, तो फिर आप कोई भी पाइप ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस पर लपेटना शुरू करते हैं। तो फिर 20 टन इस पर लपेटेंगे, तो फिर जिस टाइप से हम वीडियो में दिखा रहे हैं उसी टाइप से आपको भी कर लेना है। तो फिर 20 टन कर लेने के बाद फिर इसमें इस टाइप से लूप छोड़ेंगे, तो फिर देख सकते हैं इसी टाइप से आपको भी कर लेना है। तो फिर लूप छोड़ लेने के बाद इस पर फिर से टर्न करना स्टार्ट कर देंगे, 20 टन कर लेने के बाद फिर इस वायर को कटिंग कर देंगे, तो फिर इसी टाइप से आपको भी कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद इस वायर को इस पाइप में से फटाफट से चलिए निकाल लेते हैं, निकाल करके आपसे मिलते हैं। तो गाइस पाइप से वायर को निकाल लेने के बाद फ्रेंड जो वायर है उसी से हम बांध देंगे, तो फ्रेंड बांध लेने के बाद इस पे टेप लगा देंगे ताकि वायर आपस में उलझे ना और देखने में भी अच्छा लगे। तो फ्रेंड चलिए फटाफट से टेप लगा लेंगे, टेप लगा लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस इस पावर बैंक को बनाने के लिए हमें 3 से 4 दिन तक का वक्त लगा फ्रेंड, बहुत सारा मेहनत लगा। तो फ्रेंड अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स आपकी एक लाइक से हमें जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर एक इस टाइप से ट्रांजिस्टर लेंगे, इसका नंबर है 2N2222, तो फिर इसको लेकर के क्लिप में फंसा देंगे। फंसा लेने के बाद फिर इसका लेग बैंड कर लेंगे, तो फिर एक 1K का रेजिस्टेंस लेंगे, रेजिस्टेंस को लेकर के इस लेग को कट कर देंगे फ्रेंड्स, और ट्रांजिस्टर के बीच वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर देंगे। तो फिर रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर देने के बाद कापर पे वायर पे इंसुलेटेड लगा होता है, तो फिर इसको रिमूव कर देंगे। चलिए फटाफट से रिमूव कर लेते हैं। तो गाइस अच्छे से वायर पे से इंसुलेटेड को हटा लेने के बाद फिर रेजिस्टेंस के एक्स्ट्रा लेग को कट कर देंगे, कट कर लेने के बाद रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर की इस पॉइंट पर सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए जो कॉइल बना था उस पर सोल्डिंग करेंगे, चलिए फटाफट से जिस टाइप से वीडियो में दिखा रहे हैं उसी टाइप से आपको भी कनेक्शन कर लेना है। तो फाइनली गाइस ट्रांसमीटर बन करके रेडी हो गया, चलिए क्लिप में से ट्रांसमीटर को निकाल लेते हैं। पाइप को लेकर के सेकेंडरी कॉइल बनाएंगे, तो उसके लिए जो 33 नंबर का वायर पहले यूज किए थे उसी को लेकर के इस पर 40 टर्न करेंगे, तो चलिए फटाफट से 40 टर्न कर लेते हैं। तो गाइस अच्छे से 40 टर्न कर लेने के बाद फ्रेंड वायर को कट कर देंगे, कट कर लेने के बाद पाइप पे से वायर को चलिए फटाफट से रिमूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से निकाल लेने के बाद वायर को फ्रेंड वायर के हेल्प से अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके बांध देंगे, बांध लेने के बाद नीचे की साइड टेप लगा देंगे ताकि आपस में वायर उलझे ना। तो फ्रेंड प्राइमरी कॉइल लेकर के जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत हीट होता है जिससे आपका ट्रांजिस्टर जल सकता है, तो फ्रेंड उसके लिए हम हीट सिंक का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से ट्रांजिस्टर में हीट सिंक को कस लेते हैं। तो गाइस अच्छे से हीट सिंक को टाइट कर लेने के बाद फ्रेंड इसको ऑन ऑफ करने के लिए इस टाइप से पुश स्विच का यूज करेंगे, तो फ्रेंड इसके लिए हम मार्क लगा करके इसमें होल कर देंगे। चलिए फटाफट से होल कर लेने के बाद फ्रेंड्स इसमें इस टाइप से देख लेंगे कि लग जा रहा है, देख सकते हैं फिर मस्त तरीके से लग जा रहा है। तो फिर इसकी वायरिंग के लिए हम सफ़ेद वायर का यूज करेंगे ताकि ज़्यादा चमके ना। तो फिर चलिए फटाफट से इसका कनेक्शन स्विच पे कर लेते हैं। तो फिर स्विच भी कर लेने के बाद तो फ्रेंड क्लिप में से स्विच को निकाल लेंगे, निकाल लेने के बाद फ्रेंड जो नेगेटिव पॉइंट है ये पूरे पावर बैंक मॉड्यूल के पूरा नेगेटिव पॉइंट बैटरी का नेगेटिव पॉइंट सेम ही है, तो फ्रेंड्स इसका कनेक्शन हम बैटरी के यहीं से पॉइंट से कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड सोल्डरिंग कर लेने के बाद इस स्विच को इसके अंदर लगा देंगे, तो चलिए फटाफट से स्विच को लगा लेते हैं। तो गाइस अच्छे से स्विच को लगा लेने के बाद इसे ले लेंगे जो ट्रांजिस्टर का ये वाला लेग स्विच की इस पॉइंट पे सोल्डरिंग करेंगे, तो चलिए फटाफट से सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो गाइस ट्रांजिस्टर का नेगेटिव पॉइंट स्विच में अच्छे से कनेक्शन कर देने के बाद रेजिस्टेंस को बैंड कर देंगे और सावधानी से बैंड करेंगे नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो गाइस कॉइल का पॉजिटिव पॉइंट यूएसबी को पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम रेड कलर का वायर का यूज करेंगे, तो चलिए फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड जहाँ पे कॉइल पे सोल्डरिंग की है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए टेप लगा देते हैं। तो फ्रेंड टेप लगा देने के बाद चलिए कनेक्शन कर लेते हैं यूएसबी पॉइंट से। तो फाइनली गाइस अच्छे से कनेक्शन कर लेने के बाद चलिए इसको ऑन करके एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड अच्छे तरह से वर्क कर रहा है, तो फ्रेंड लाइट भी आ गई है इसमें, इसको बंद कर देते हैं, फ्रेंड यहाँ से भी बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड स्विच को नहीं चिपकाए थे तो उसके लिए सुपर ग्लू की हेल्प से इसको निकाल करके स्विच को अच्छे से चिपका देंगे। तो गाइस इस कॉइल को चिपकाने के लिए हम ग्लू गन का यूज करेंगे, तो चलिए फटाफट से इस कॉइल को ऊपर के सीट में चिपका लेते हैं, चिपका करके आपसे मिलते हैं।
तो चलिए फ्रेंड ऊपर का सीट भी स्टील ग्लू की हेल्प से फटाफट से चिपका लेते हैं। तो फाइनली गाइस पावर बैंक बंद करके रेडी होगा। तो फ्रेंड इसके जो नीचे का पेपर लगा हुआ उसको इसी तरह रहने दे रहे हैं ताकि फ्रेंड स्क्रेच ना पड़े। तो फ्रेंड रिसीवर कॉइल को लेकर के क्लिप में फंसा देंगे। फंसा लेने के बाद एक IN4007 का डायबोर्ड लेंगे। डायबोर्ड को लेकर के किसी भी एक लेग पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो गाइस जो डायबोर्ड का ब्लैक कलर का पार्ट है कॉइल के किसी भी पॉइंट पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए फटाफट से सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो गाइस डायोड का कनेक्शन कर लेने के बाद एक इस टाइप से चार्जिंग पिन लेंगे। तो फिर इसको इस टाइप से यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग कर लेने के बाद वायर को छील लेंगे। तो फिर छील लेने के बाद जो पॉजिटिव पॉइंट डायोड पे कनेक्शन कर देंगे और जो नेगेटिव पॉइंट है कॉइल के दूसरे पॉइंट पे कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए कनेक्शन कर लेने के बाद आपसे मिलते। तो फिर कनेक्शन कर लेने के बाद कॉइल को क्लिप में से निकाल लेंगे। तो फिर चलिए फटाफट से टेस्टिंग करते हैं। तो फिर चार्जिंग पिन को ब्लूटूथ स्पीकर में कनेक्ट कर देते हो। तो फिर इसके ऊपर कॉइल इस टाइप से रखेंगे और ऑन कर देंगे स्विच को। तो फिर देख सकते हैं फ्रेंड रेड कलर की LED ब्लिंक कर रही है। तो देख सकते हैं गाइस मस्त तरीके से चार्ज हो रहा है। अब वहाँ पे परसेंटेज भी शो हो रहा है, 97% चार्ज है अभी बैटरी। तो फिर चलिए एक बार और टेस्टिंग करते हैं। तो फिर चलिए इसको ऑन कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड रेड कलर की LED फिर से इंडिकेट कर रही है, फिर चार्जिंग हो रही है। तो गाइस इस वायरलेस चार्जर से आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं और बहुत मस्त है। तो फिर आप भी जरूर घर पे बनाइएगा। तो फिर इसमें दो USB पोर्ट दिया जो कि अलग अलग कार्य के लिए है। फिर इसमें दो चार्जिंग के लिए दिया जो कि Type-C और Micro USB है। जो ग्रीन वाला है वो क्विक चार्जिंग के लिए है और जो ब्लैक वाला है 2.4 एम्पियर का है। इससे बहुत तेज और आसानी से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। चलिए फटाफट से चार्जिंग लगा कर देख लेते हैं। तो चलिए वायर को कनेक्ट कर देते हैं पावर बैंक में और वायर को मोबाइल में भी कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स पावर बैंक ऑन हो चुका है और 25% चार्जिंग शो हो रहा है मोबाइल में। तो फिर मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड दूसरे USB पोर्ट में लगा करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड 25% मोबाइल की बैटरी शो हो रही है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस पावर बैंक में भी 96% बैटरी शो हो रहा है, मस्त तरीके से मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो गाइस पावर बैंक फुल चार्ज होने के बाद आपके मोबाइल 7 से 8 बार ईजिली चार्ज कर सकता है। तो फिर आपने देखा मोबाइल तो अच्छे तरीके से चार्ज ही हो रहा है। तो फिर चलिए पावर बैंक को भी चार्ज लगा करके एक बार देख लेते हैं। तो फिर पावर सप्लाई ले करके चार्जर को इसमें कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर देने के बाद वायर को भी कनेक्ट कर देंगे और पावर बैंक में भी कनेक्ट कर देंगे फिर और स्विच को ऑन कर देंगे। तो देख सकते हैं फिर चार्जिंग इंडिकेट कर रहा है, 96% इन का दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे वायर निकाले तो आउट का दिखाने लगा। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि फ्रेंड्स इससे आप पावर ले सकते हैं। फिर चलिए सी टाइप से चार्जिंग करके देख लेते हैं। देख सकते हैं फिर 96% और इन का दिखाने लग रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।